तो आपको अपना आधार पीवीसी ऑर्डर करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा UIDAI। तो उधर आपको टाइप करना है, जो सर्च करना है तो पहला लिंक आ जाएगा, उसको आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आपको आएगा उस पर आपको वेट करना है। अभी देखिए, मुझे लगता है हमारा थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक मिनट आराम कर लेते हैं। तो हम उधर पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है मेरी थोड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा कि उदय की वेबसाइट खुल गई, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, घर बैठे ऑर्डर करें आधार पीवीसी कार्ड उदय, शुल्क 50 रुपये, स्पीड पोस्ट से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली जाना होगा नीचे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप देख सकते हैं ऑर्डर आधार पीवीसी, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ये देखिए ऑर्डर आधार पीवीसी, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सिंपली। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद वेट करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आ गया है। तो जैसा ही ये ऑप्शन आ जाए, इससे आपको उसके बाद क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली नीचे जाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन मांग रहा है आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर है। तो उसके बाद नीचे कैप्चा मांग रहा है, तो ये जो बगल में कैप्चा है इसको आपको डालना है। आप देख सकते हैं जो बगल में कैप्चा है उसको आपको डालना है, ये कैप्चा है इसको यहाँ पर डालना है। तो आपको ये डाल देना है, अपने आप कर लेना है ये आप। तो फिर जो भी आपका कैप्चा आएगा अलग आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है उसके नीचे माई आधार नंबर माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है उसमें, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तब भी आपका ये आ जाएगा आपके पास आधार कार्ड। तो उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर है तो नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको ऐसा करना है, तो आधार नंबर आपको डालेंगे आप सिंपली, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेंड OTP और POP। तो आपको सिंपली सेंड OTP में क्लिक करना है। सेंड OTP जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड है उस पर आपका OTP चला जाएगा। वो OTP आपको नीचे डालना है, डालते ही वहाँ पर आपको 50 रुपये अपने डेबिट कार्ड से पे करने हैं, पे करते ही आपका जो वो ऑर्डर हो जाएगा। तो ये बड़ी आसान तरीका है, इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके कैसे करना है, तो वो अगली वीडियो में बताऊँगा। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता रहता हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही।